यह है हमारी गाड़ा वाली छान। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अनएक्सप्लोर्ड पहाड़ में। तो साथियों, आज हम जा रहे हैं अपनी गाड़ा वाली छान की तरफ। वहाँ खेत खूत है, वहाँ कुछ काम है खेत में, तो चलते हैं। क्या कुछ करते हैं आज के दिन। और श्रावण की भंगिमा आप चारों तरफ निहार सकते हैं दोस्तों। आजकल पहाड़ों में कितनी हरियाली भर रखी है पूरी। चलो मिलते हैं फिर वीडियो में आगे आप सभी। ये है हमारा गाँव गडोली और ये जा रहे हैं हम नीचे, नीचे वाले खेतों में जाना है। इस तरफ ये दिख रही जी इधर। तो साथियों, अब हम जा रहे हैं गाड़ा वाली छान में। नीचे हम पहुंच गए अभी दुबाटा के ऊपर। तो दगड़ियों, अभी हम पहुंच चुके हैं दुबाटा में और यहां से हम ढेबगरे वाला उधर जाएंगे और ज्वाड़ा वाला इधर जाएंगे इस तरफ। तो चलो। तो साथियों, ये है वो वाली गाड़ जिसमें अपना पूरा बचपन गुजरा है। साथियों, इस गाड़ में बहुत सारी मच्छियां पकड़ी हैं और बहुत ज्यादा आ रखी है। बरसात बहुत ज्यादा हो रही है पहाड़ों में, तो देख सकते हैं आप कितनी ज्यादा आ रखी है। और इसी गाड़ से हमारे अन्न भंडार भरते हैं, रोपाई लगती है इसी गाड़ से। तो चलो चलते हैं फिर आगे यहाँ से। साथियों, गाड़ा पहुंच चुका हूँ और एक एक करके दिखाता हूँ अपनी गाड़ा वाली छाने। और साथियों, आजकल क्या है, हमारे जो पशुपालन है वो डांडा छानियों में जाता है, क्योंकि चौमास का महीना है जून जुलाई अगस्त और सितंबर। तो इसमें क्या होता है, ज़्यादा घिचपिच हो जाती है। तो अभी पशु कहाँ जाते हैं, डांडा छानियों में, वहाँ ठंडा भी रहता है। और यहाँ जब आते हैं, जब ह्यूंद होती है, ह्यूंद यानी सर्दी का मौसम होता है, तो यहाँ गर्म रहती है, घाटी वाली जगह है ना इसलिए। तो चलो एक एक करके छानी दिखाता हूँ आपको, फिर चलते हैं आगे काम। और फ्रेंड्स, आजकल आप देख सकते हैं पूरे रास्तों में भांग जम रखी है। एक छान यहाँ पे है भाई जी लोगों की, ये आप देख सकते हैं। और ये है बड़ा जी लोगों की छान। और छानिए भी है साथियों, लेकिन वो ऊपर है तो वहाँ दूसरे दिन जाएंगे कभी। तो चलते हैं अब हमारी गाड़ा वाली छान।
यहाँ पे लग रखे हैं गोबर के ढेर, आप देख सकते हैं। अब चलते हैं दूसरी छान पे, ये है प्रधान जी लोगों की छान, भूतपूर्व प्रधान जी। तो साथियों छानिया आप सभी ने देख ली है, अब चलते हैं खेत की ओर और वहां करते हैं गुड़ाई का काम। चलो फिर तो साथियों ये खेत इतना घोड़ दिया है, आधा भी नहीं घोड़ा है अभी, और भूख लग गई साथियों, थक भी लग गई है। अब खाना खाते हैं फिर देखते हैं। तो साथियों ऐसे चलता है खेतों में खाना। ये मेरे को मिल गई रोटी, और ये है मेरी इसी की सब्जी। ये चल रहा है लंच धूप में, और ऊपर खेत है, यहाँ ठंड में बैठ रखे हैं। तो चलो लंच करते हैं, फिर मिलते हैं आपको गुड़ाई में आगे। तो चलो फिर चलो साथियों लंच करते हैं, फिर मिलते हैं। शाम के 4:30 हो चुके हैं, माता जी बोल रही है, और मुझे घर में कुछ काम है, गाड़ी का टायर आएगा, पंचर हो रखा था ना, तो चिन्याली दे रखा था, उसे जोड़ना है, फिर मैं चलता हूँ, माता जी लोग आएंगे फिर शाम को। शाम तो हो ही गई है, जब तक ये पूरा हो थोड़ी बचा हो। और यहाँ पे भाई जी लोग कर रहे हैं गुड़ाई इधर बगड़ा में, अब दिखाता हूँ आपको जूम करके। ये देखिए और यहाँ है ऊपर गांव, ये दिख रहा आपको इधर। तो चलते हैं फिर घर को। तो फ्रेंड्स ये खेत घोड़ा है हमने पूरा, और फ्रेंड्स ये है हमारा गाड़ा वाला अखरोट का पेड़। तो साथियों गाड़ी का टायर भी फिक्स कर दिया है, वीडियो नहीं बना पाया मैं उसकी, और ये चिन्याली ये टायर लगा दिया मैंने, और एक टाइम लैप्स करता हूँ। ये देखो कुरेड़ी लगी, तो साथियों आज का वीडियो भी यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं नीरज खंडूड़ी लेता हूँ आपसे विदा, मिलता हूँ आपको नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवार का ध्यान रखना, खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। आई लव यू ऑल माई फ्रेंड। जय हिंद और जय देवभूमि उत्तराखंड।